हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर डॉट कॉम में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, पीएच पैमाना तथा पीएच मान क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में हम पीएच मान को समझेंगे और पीएच मान की परिभाषा, सरलतम परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे, साथ ही साथ पीएच मान बताने वाले पीएच पैमाने या स्केल को हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे पीएच पैमाने से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, अर्थात पीएच पैमाने का महत्व। साथ ही साथ विभिन्न पदार्थों का पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे हम एक चलचित्र या प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। और अंत में हम विभिन्न पदार्थों के पीएच मान की तालिका देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम पीएच मान की परिभाषा से। पीएच मान क्या होता है, चलिए शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से प्रयोग से। एक परख नली में एक विलयन दिया गया है, वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय हमें नहीं पता। अर्थात एक परख नली में हमने अज्ञात विलयन लिया, पता करने के लिए इस विलयन की प्रकृति हम लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे। अगर यह अज्ञात विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो हम कहेंगे कि यह विलयन अम्लीय है, और यदि यह विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो हम कहेंगे यह विलयन क्षार या क्षारीय है। परंतु लिटमस पत्र द्वारा हम विलयन की प्रकृति तो ज्ञात कर सकते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय ये तो पता लगा सकते हैं, लेकिन हम अम्ल और क्षार की प्रबलता और दुर्बलता का पता नहीं लगा सकते। तो लिटमस पत्र हमें केवल अम्ल और क्षारक की पहचान करा रहा है, लेकिन वह अम्ल प्रबल है या दुर्बल, वह क्षार प्रबल है या दुर्बल, इसकी जानकारी हमें नहीं दे रहा। साथ ही साथ अगर वह विलयन अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है, और वह विलयन अगर क्षार है तो उसमें OH ऋण आयनों की सांद्रता कितनी है, यह भी हमें लिटमस पत्र से पता नहीं चलता। इतनी अन्य अतिरिक्त जानकारियों का पता लगाने के लिए ही पीएच स्केल या पीएच पैमाना विकसित किया गया है। यह आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें 0 से लेकर 14 तक बराबर आकार के कुल 15 खाने या बक्से हैं जो अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। ये पीएच स्केल के साथ साथ हमें एक पीएच पत्र की भी आवश्यकता लगेगी। तो पीएच पत्र और पीएच स्केल, अगर ये दोनों हमारे पास हैं तो हम आसानी से किसी विलयन की प्रकृति, उसकी प्रबलता और उसमें हाइड्रोजन या OH ऋण आयनों की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा पीले रंग का पीएच पत्र है, इस पे हमने एक विलयन की कुछ बूंदें डाली और यह पीएच पत्र गहरे लाल रंग का हो गया। अब आप इस रंग को तालिका में देखें, यह रंग इस पीएच पैमाने में कहां दिख रहा है, ये देखिए। इससे हमें पता चल गया कि यह विलयन अम्लीय है। अगर पीएच मान 7 से कम आता है तो विलयन अम्लीय कहलाते हैं। तो पीएच मान रंग के आधार पर हमने मिलाकर देखा कि 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा विलयन अम्लीय है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ते हैं, विलयन में H धन आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है। अर्थात जैसे जैसे पीएच मान कम होगा वैसे वैसे उसमें H धन आयन ज्यादा होंगे। तो पीएच मान 0 अर्थात इसमें H धन आयनों की सांद्रता बहुत ही ज्यादा है और यह विलयन प्रबल अम्ल है। अगर हम पुनः आगे बढ़े, हमने लिटमस पत्र लिया और उस पर अब विलयन की कुछ बूंदें डाली और इस बार रंग परिवर्तन को पीएच पैमाने से मिलाया। रंग परिवर्तन मिलाने पर हमें पता चला कि इस विलयन का पीएच 2 है। पीएच 2 अर्थात 7 से कम, विलयन अम्लीय है और साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है।
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है, अर्थात ये विलयन दुर्बल अम्ल है और इसे हम खाने के काम में ले सकते हैं। तो पीएच पत्र और पीएच स्केल की मदद से आप आसानी से किसी विलयन की प्रकृति, प्रबलता तथा हाइड्रोजन आयन तथा OH ऋण आयनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमने पीएच पत्र पर दूसरा विलयन डाला और देखिए हल्का नीला रंग प्राप्त हुआ। हल्के नीले रंग को पीएच स्केल में मिलाएं, पीएच मान 10 आ रहा है, अर्थात पीएच मान 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय विलयनों का होता है। तो पता चल गया विलयन क्षारीय है, साथ ही साथ इसका पीएच मान भी पता चल गया। जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे इसमें OH ऋण आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। अब चूंकि इसका पीएच मान 9 है, अर्थात इसमें OH ऋण आयनों की सांद्रता कम है और यह एक दुर्बल क्षार है। पुनः हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पीएच पत्र अज्ञात विलयन की कुछ बूंदें डाली, गहरा नीला रंग मिला या जो हम बोलते हैं बैगनी रंग प्राप्त हुआ। तो एक बात तो हमें यह पता चली कि यह क्षार है, दूसरा बात पता चला कि इसका पीएच मान 14 है, तीसरी बात पता चली कि इसमें OH ऋण आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा है और यह एक प्रबल क्षार है जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं ले सकते। तो लिटमस पत्र सीमित जानकारियां देता है, जबकि पीएच पत्र और पीएच पैमाना अज्ञात विलयन की कई सारी जानकारियां आपको देता है, उसकी प्रकृति बताता है, उसकी प्रबलता बताता है और उसमें आयनों की सांद्रता भी आपको बताता है। अब हम आसानी से पीएच मान की परिभाषा देख सकते हैं। लीजिए, पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है, अर्थात कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय का पता लगाने के लिए एक स्केल या पैमाना विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। यह है सबसे सरलतम और सटीक परिभाषा। हम पीएच पैमाने की एक और परिभाषा यहां पर देखेंगे। पीएच का सूत्र आपके सामने आ रहा है, पीएच बराबर ऋण लॉग और बड़े ब्रैकेट के अंदर एच धन आयन। यहां पर पीएच जो संकेत दिखाया गया है, यह पीएच को जर्मन भाषा में पी को पुसांस कहते हैं। पुसांस का मतलब होता है पावर या शक्ति, और साथ ही साथ यहां पर एच लगा हुआ है अर्थात पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। तो पीएच में पी का अर्थ है पुसांस अर्थात पावर या शक्ति, और पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये लीजिए, पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन, एच धन आयन दोनों ओर बड़े ब्रैकेट, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और ऋण लॉग का मतलब होता है ऋणात्मक लघुगणक। अब आप इन तीनों को मिला दें तो एक परिभाषा आपकी तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार हो जाएगी? सबसे पहले आप इसके बारे में बोलें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, फिर इसके बारे में बोलें ऋणात्मक लघुगुणक, उसी को हम पीएच मान कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, और यह परिभाषा आपके सामने है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यह हुआ पीएच मान और उसकी परिभाषा, दो परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल कैसी होती है और उससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, पीएच स्केल को समझेंगे। जिस तरह से किसी चीज को नापने के पैमाने होते हैं, लंबाई को नापने का पैमाना है मीटर, वजन या द्रव्यमान को नापने का पैमाना है किलोग्राम, तापमान को नापने का पैमाना है डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, उसी तरह विलयन की अम्लता व क्षारकता को नापने के लिए पीएच पैमाना है। इसकी मदद से हम किसी विलयन की प्रकृति, उसकी प्रबलता तथा दुर्बलता तथा उसमें एच धन आयन व OH ऋण आयन की अनुमानित मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। लीजिए, एक पीएच स्केल आपके सामने दिख रही है, गौर से देखें। इसमें 0 से लेकर 14 तक कुल 15 खाने होते हैं और हर खाने का रंग अलग अलग होता है। पीएच 7 उदासीन विलयन की जानकारी देता है, जबकि 7 से कम पीएच मान अम्लीय तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय विलयन की जानकारी देता है।
हमने यहां पर 7 से कम, 7 से 0 तक के जो अम्लीय पीएच को है उसे दो भागों में बांट दिया है, दुर्बल तथा प्रबल। अर्थात जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं विलयनों की अम्लता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की ओर जाते हैं विलयनों की क्षारीयता भी बढ़ती जाती है। और इसे आसानी से समझेंगे हम तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक कुल बराबर 15 खाने होते हैं, हर खाने को हम पीएच मान कहते हैं। ये लीजिए, अब और सरलतम तरीका हमारे सामने है। हमने एक पीएच स्केल बनाई है 0 से 14 तक की, इसमें हमने रंग परिवर्तन नहीं दिखाया है बल्कि इसमें हमने एच धन आयन व ओएच ऋण आयनों की सांद्रता दिखाई है। अब आप गौर से देखें, पीएच सात क्या बता रहा है। पीएच सात बताता है कि विलयन में एच धन आयन व ओएच ऋण आयनों की सांद्रता या मात्रा बराबर है। आप खुद देख सकते हैं, ये जो नीले रंग की पट्टी है ऊपर, ये एच धन आयन बता रही है और सफेद रंग की पट्टी ओएच ऋण आयन। गौर से देखें, यहां दोनों बराबर बराबर हैं। तो अगर किसी विलयन का पीएच 7 है अर्थात उसमें एच धन आयन व ओएच ऋण आयनों की सांद्रता बराबर है और वह विलयन उदासीन है। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर चलेंगे अम्लता बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम 0 की ओर चलेंगे। देखिए, पहले हाइड्रोजन आयन कम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ गई और बढ़ती चली गई, जबकि OH ऋण आयनों की सांद्रता देखिए यहां पे धीरे धीरे कम हो रही है। सफेद हिस्सा कम हो रहा है जबकि गहरा हिस्सा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाएंगे विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी और विलयन दुर्बल अम्लीय से प्रबल अम्लीय होते चले जाएंगे जैसा ऊपर के स्केल में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 7 से 14 में क्या परिवर्तन होता है। अगर हम 7 से 14 की ओर चलें तो विलयन क्षारीय होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं क्षारीय? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाती है। देखिए, हाइड्रोजन आयनों वाला गहरा रंग कम हो रहा है जबकि OH ऋण आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो OH ऋण आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो विलयन दुर्बल क्षार से प्रबल क्षार होता चला जाएगा। तो पीएच स्केल कैसी होती है वो हमने देखा। पीएच स्केल में 7 से कम वाले विलयन अम्लीय, 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय होते हैं। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण विलयन पहले दुर्बल अम्लीय और फिर प्रबल अम्लीय होता जाता है। 7 से 14 की ओर पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता है विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, OH ऋण आयनों की सांद्रता बढ़ती है और विलयन दुर्बल क्षारीय से प्रबल क्षारीय हो जाता है। तो पीएच स्केल में बीच का मान 7 उदासीन माना जाता है और जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन है। यदि पीएच मान में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय और 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। अब पीएच मान ज्ञात कैसे करते हैं? पीएच मान ज्ञात करने के लिए किसी भी पदार्थ का आप पीएच मान ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले आपको उस पदार्थ के पीएच मान को ज्ञात करने के लिए या तो पीएच इंडिकेटर आपके पास होना चाहिए, ये एक तरल द्रव है, या फिर इसी से बना हुआ पीएच पत्र आपके पास होना चाहिए। आपकी प्रयोगशालाओं में पीएच पत्र आसानी से मिल जाएंगे। तो या तो पीएच इंडिकेटर हो या पीएच पत्र हो, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज है तो आप आसानी से किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। पहली शर्त पीएच मान ज्ञात करने की। दूसरा है, जिस पदार्थ का पीएच मान आपको ज्ञात कर रहे हैं, पीएच स्केल भी जरूरी है, जिस पदार्थ का पीएच मान आप ज्ञात कर रहे हैं उसका आपको जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। या तो उस पदार्थ में ऐसे तरल द्रव निकालिए या फिर वो पदार्थ सूखा है, ड्राई या ठोस अवस्था में है तो उसे पानी में घोलिए, उसका विलयन तैयार कीजिए। अर्थात पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी पदार्थ का तरल निकालना पड़ेगा या फिर उस पदार्थ का विलयन बनाना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास नींबू है, हम नींबू का पीएच मान निकाल के देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले नींबू का रस निकालना पड़ेगा। ये हमने परख नली में नींबू का रस निकाल लिया, उसके बाद इसमें हमने पीएच इंडिकेटर की कुछ बूंदें डाली। अब हम रंग परिवर्तन देखेंगे। हमने देखा
कि नारंगी रंग आ रहा है। इस नारंगी रंग को अब हम पीएच स्केल पर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। क्योंकि इसका पीएच मान 2 से अधिक है, अतः यह एक दुर्बल अम्ल है और इसे हम खाने के काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार हमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा दिया गया है, यह ठोस होता है तो पहले इसे हमें पानी में घुलना पड़ेगा, इसका जलीय विलयन बनाना पड़ेगा और उसमें अब हम लिटमस पत्र डालेंगे। पहला प्रयोग हमने पीएच इंडिकेटर से किया, अब हम पीएच पत्र से कर रहे हैं। पीएच पत्र डालते ही, पीले रंग का पीएच पत्र डालते ही वह हल्के नीले रंग का हो जाएगा, आसमानी या फिरोजी रंग का हो जाएगा। हम पीएच तालिका में, पीएच पैमाने में उसे मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बेकिंग सोडे का पीएच मान 9 होता है और यह एक दुर्बल क्षार है। 12 से कम अगर पीएच मान है, 7 से 12 के मध्य अगर पीएच मान है तो वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं और इसे हम खाने के काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से पीएच इंडिकेटर और पीएच पत्र की मदद से किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए जा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा चित्र आपके सामने है। पीएच 7 उदासीन, ऊपर पानी लिखा हुआ है, यहां पर एच धन और OH ऋणायन बराबर मात्रा में है। जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाएंगे सारे पदार्थ अम्लीय होते चले जाएंगे और जैसे जैसे 7 से 14 की ओर जाएंगे पदार्थ क्षारीय होते चले जाएंगे। और अगर आप गौर से देखना चाहते हैं तो देखिए ये पानी उदासीन, ये दूध है, दूध का पीएच मान 7 से हल्का सा कम होता है, यानी दूध हल्का अम्लीय है। दूध हल्का अम्लीय क्यों है? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो दूध में मिलने वाली लैक्टोज शर्करा के किण्वन से बनता है। अब अगर इस दूध को हम दही में बदल दें तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और पीएच मान कम हो जाएगा और दही दूध से अधिक अम्लीय हो जाएगा। कॉफी और अधिक अम्लीय है। वाइन, विनेगर, नींबू, जैसे जैसे हम 0 की ओर चल रहे हैं अम्लीता बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सब दुर्बल अम्ल है, इन्हें हम खाने के काम में ले सकते हैं। और हमारे अमाशय में निकलने वाला अम्ल HCl या हमारी प्रयोगशाला में रखा हुआ सांद्र HCl, ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़े, रक्त का पीएच मान देखिए 7 से अधिक है, 7 और 8 के बीच होता है, 7.4 अर्थात हल्का सा क्षारीय। तो रक्त का पीएच हल्का सा क्षारीय होता है, हमारी लार का पीएच भी हल्का सा क्षारीय होता है। क्षारीय पीएच पर हमारे शरीर की सारी जैविक क्रियाएं सुचारू या व्यवस्थित रूप से चलती हैं। अगर रक्त का पीएच क्षारीय न होकर अम्लीय हो जाए तो हमारी सारी जैविक क्रियाएं बाधित हो जाएंगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार बेकिंग सोडा, अभी हमने प्रयोग करके भी देखा क्षारीय पीएच होता है। साबुन भी क्षारीय होता है, तभी तो ये साबुन हल्दी को लाल रंग में बदल देता है। तो यहां तक ये दुर्बल क्षार है, इन्हें हम दैनिक जीवन में काम में ले सकते हैं, लेकिन ब्लीचिंग, साथ ही साथ ड्रेनेज क्लीनर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे तालिका। इस तालिका में विभिन्न पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। ये देखिए लार, एक क्वेश्चन आता है कि खाने के पहले लार का पीएच कितना होता है और खाना खाने के बाद लार का पीएच कितना होता है। तो खाने के पहले लार का पीएच क्षारीय होता है, ये देखिए 7.4, लेकिन खाना खाने के बाद लार का पीएच कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ऐसा क्यों? भाई हम खाना खाते हैं, खाने के कण हमारे दांतों के मध्य फंस जाते हैं और हमारे दांतों में या मुंह में मिलने वाले बैक्टीरिया उस खाने को तोड़ते हैं जिससे हमारे मुंह में अम्ल बनता है। तो हमारे मुंह में जो खाने के कण रह गए हैं दांतों के मध्य, उनके सड़ने से एक अम्ल बनता है और उसी अम्ल के निकलने से हमारी लार का पीएच अम्लीय हो जाता है। तो खाने के पहले लार का पीएच क्षारीय, खाने के बाद लार का पीएच अम्लीय। देखिए, और हम और भी बताना चाहेंगे, रंग रहित वातित पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स भी देखिए ये भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कॉफी भी अम्लीय प्रकृति की होती है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए क्योंकि इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे दांतों के ऊपर कैल्शियम का बना हुआ इनेमल का आवरण चढ़ा हुआ रहता है, तो ये अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर लेता है, इनेमल का आवरण खत्म हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, क्षरण होने लगता है दांतों का। इसलिए अम्लीय पदार्थ, पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए।
यहां देखो नल का पीएच मान लगभग उदासीन है, NaOH इसमें OH ऋण आयन है इसलिए यह प्रबल क्षार है, HCl इसमें H धन आयन है इसलिए यह प्रबल अम्ल है। तो इस प्रकार हमने तालिका की मदद से विभिन्न पदार्थों का पीएच मान ज्ञात किया। ये तालिका आपको कई जगह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आपकी मदद करेगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।